अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, ये देखें, ये ज़रा सी आज उसमें से निकल रही है। और अब जब तक बच्चे नहीं आएंगे, जब तक कुछ पक नहीं सकता, तो देखें रात के डिनर में आज हम क्या करते हैं। बिल्कुल ख़त्म हो गई ये गैस, अब थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे बच्चों के आने का कि जब वो आ जाते हैं सिलेंडर चेंज करते हैं। वैसे तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कुछ ऐसा वैसा हो गया और आग लग गई तो क्या होगा, इसलिए बस पता नहीं कैसा लगता है। हाँ, ये असल में इसको खोलना ज़रा सा मुश्किल होता है ना, लड़के ज़रा जो दबा के इसको बंद कर देते हैं तो मुझे डर लगता है। वैसे तो जब मैं तमाम में थी, बच्चे छोटे थे, तब तो मैं खुद ही चेंज कर लेती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों डर लगने लगा है थोड़ा सा। तो चले अब इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। आपको ये तो पता ही है कि आज हमारा सिलेंडर ख़त्म हुआ हुआ है, नाश्ते के टाइम से ख़त्म हुआ हुआ है। लेकिन ये कि वीकेंड में तो हम लोग बाहर चले जाते हैं, बच्चे भी खाना खा लेते हैं बाहर, लेकिन वीकडेज में ना हम लोग घर में ही खाते हैं। तो बस मैंने फिर ये सोचा कि जैसे ही सिलेंडर लगेगा तो मैं एमरजेंसी का खाना बना लूँगी आज। तो मैंने ये 4-5 अंडे जिसमें सारे मसाले बना के रख दिए हैं डाल के, और ये प्याज काटी है, टमाटर, हरी मिर्चें, तो इसका खाकी ना बना लूँगी। और ये कल बड़ी बहू ने बनाई थी फली और आलू, इसको गर्म कर लेंगे। और हमने दोपहर में खाने के लिए ये पकौड़ों का बनाया था, तो वो भी नहीं बन सके, तो वो भी खाने के साथ बना लेंगे हम लोग। और इस तरह से बस रोटी पक जाएंगी और हमारा डिनर रेडी हो जाएगा, झटपट डिनर हो जाएगा हमारा। हाँ, झटपट डिनर हो जाएगा। आसमी भाई जल्दी आ गए थे, तो बस वो सिलेंडर लगा रहे हैं, फिर हम लोग खाने वगैरह की तैयारी करेंगे। और अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो हमारा खाना भी जल्दी से पक जाएगा और रोटियां भी फटाफट बन जाएंगी। बस अब अदील का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी जल्दी से आ जाएं, फिर वो आ जाएंगे तो ये है कि खाना साथ खा लेंगे। अब ये खाकीने के लिए इसमें हमने तेल डालेंगे, तकरीबन आधी प्याली तेल इसमें जाएगा। और गैस आ गई है। हाँ, गैस सिलेंडर लग गया माशाल्लाह। समी आज जल्दी आ गया, तो उसने सिलेंडर लगा दिया। गैस कम लग रही है आज। तेल में हमने प्याज डाल दी, काट के रखी थी, होने लगी है थोड़ी आंच कम करो। अब इसमें डाल देंगे ये टमाटर, चले अभी अंडा भी डाल देंगे इसमें। ये अंडे डाल रही हूँ मैं इसमें, खाकीने खाकीना बन रहा है, ये हो गया। खाकीना हो गया तैयार, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। बस जी, भूख बहुत ज़ोर की लगी है, रोटियां बनाएंगे और फिर हम पकौड़े बनाएंगे। ये हमारे पकौड़े बन रहे खाने के साथ, हम चाय के साथ खाना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह जब खिलाता है जब ही खाता है बनता। आज हम खाने के साथ खाएंगे पकौड़े। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर भी रेडी हो गया है, पकौड़े, खाकीना और सालन भी है और रोटियां भी बन गई हैं। तो बस अब हम जो है वो जल्दी से खाना खाते हैं।
खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया था। दिल जब ऑफिस से घर आए तो उनके पाँव में जो है वो चोट लग गई थी, उनका पाँव मुड़ गया था, तो फिर उनका पाँव काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो रहा था, तो हम लोगों ने उनको बोला कि भाई फौरन हमें जो है वो हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हम अपने एरिया के काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स गए, क्लिनिक्स हैं वो, तो वहाँ पे कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो है वो नहीं बैठा हुआ था। तो यहाँ पे ये है कि 6 बजे तक जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो सब बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके चले जाएं, लेकिन जब वो उठ जाते हैं उसके बाद तो फिर डॉक्टर जो है वो एमरजेंसी में ही मिलते हैं। तो बस ये है कि हम आदिल को फिर एमरजेंसी में जो है वो स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर जो है वो हम आदिल को ले गए थे इसकी एमरजेंसी में, और बस अभी हम जो है वो हम अंदर जा रहे हैं और फिर ट्रीटमेंट जो है वो करवाते हैं। ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, अगर आपको अल्लाह ना करेगा वैसे कभी ज़रूरत पड़ भी जाए तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उन्होंने बहुत जल्दी जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह दिल की सब कर दी थी, स्टाफ इनका बहुत अच्छा है। बस जी यहाँ पे जो है वो दिल के सारा चेकअप वगैरह हो रहा है, बीपी वगैरह सारा चेक हो रहा है। बीपी दिल का थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, वो कह रहे थे कि पेन से भी बीपी जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी फ़ीवर वगैरह हर चीज़ जो है यहाँ पे इन लोगों ने चेक करी। अब जो है वो डॉक्टर को दिखाना है तो हम उनका बस इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में, फिर जो है वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने सारा चेकअप वगैरह कर लिया था, उसके बाद फिर अदील का जो है वो एक्सरे करवाया पाँव का, उसके बाद फिर हमने रिपोर्ट के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करा, फिर खैर रिपोर्ट आ गई थी तो फिर डॉक्टर ने जो है वो प्लास्टर के लिए कह दिया कि माइनर सा जो है वो फ्रैक्चर है उंगली में, तो बस इस वजह से प्लास्टर चढ़ रहा है और ये 4-5 दिन तक जो है वो चढ़ा रहेगा। कुछ दिन रेस्ट के लिए कहा है तो फिर डॉक्टर ने कल के लिए जो है वो अदील को छुट्टी भी दे दी थी, तो ये है कि एक दिन आराम से रेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जल्द ठीक हो जाएंगे। और आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखें, प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारी दुआएं करें कि अदील जो है वो जल्दी से उनका पाँव ठीक हो जाए। चले जी अब जो है वो दिल के पाँव पर प्लास्टर वगैरह जो है वो सब बन चुका है, और फिर इस व्लॉग को जो है वो हम यहीं पे ही एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और हमें प्लीज़ प्लीज़ अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें और हमारे लिए दुआएं करें, और हम भी आपके लिए बहुत सारी दुआएँ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।